सा बोलेगा ना उसे चार शीट दे देंगे, ट्रांसफर कर देंगे सरगोधा लाला मूसा। ये रूल चल रहे हैं यार, ये तो मुतालबा भी हमारे मुलाजिम करते हैं भाई, करप्ट अफसरों को खत्म करो। ये बार बार करप्ट को पाकिस्तान के सबसे बड़े कौमी इदारों में शामिल पाकिस्तान रेलवेज़ में 60 और 70 की दहाई में मज़दूरों की बेहद मजबूत तहरीक थी। ट्रेड यूनियंस की मज़दूरों के लिए ताकतवर जद्दोजहद की बदौलत मज़दूरों को एक बाइज्जत ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरियात फराहम करने में कामयाब रहीं। 1967 में रेलवे में एक अजीम हड़ताल हुई थी कराची से लेकर पेशावर तक, तकरीबन 4 दिन गाड़ी बंद रही थी और तमाम वर्कशॉपें और ऑफिसेज बंद हुए। उस वक़्त मैं नौजवान रेलवे में भर्ती हुआ तो उससे मुतासर होकर मैं रेलवे वर्कर्स यूनियन में शामिल हुआ। पूरे पाकिस्तान में जितनी ज़्यादा मराहत रेलवे मजदूरों को उस दौर में मिली है शायद किसी तंजीम ने हासिल नहीं की। रेलवे मजदूर का शुरू से अंग्रेज दौर से एक सिंगल रूम क्वार्टर होता था जिसके आगे कोई सैन नहीं था, कुछ नहीं था। हमने उस वक़्त के हुकूमत से दबाव डाल के दिन रात मेहनत कर करके उनसे मुतालबे करके सिंगल रूम क्वार्टरों के आगे सहन चार दीवारी और गौसल खाना और लैट्रीन बनवाई। उससे पहले रेलवे क्वार्टरों में कंबाइन लैट्रीन क्वार्टरों के बाहर एक ही लंबी कतार में कंबाइन लैट्रीनें होती थी और सुबह सुबह बेचारे मजदूर लोटा पकड़े वहाँ लाइन में खड़े होते थे। तो ये रेलवे वर्कर्स ने सबसे पहले रेलवे क्वार्टरों में चार दीवारी करवाई और लैट्रीनें बनवाई क्वार्टरों के अंदर। उसके बाद रेलवे मजदूरों को हीट अलाउंस, जो मजदूर फाउंड्री में लोहार खाना ब्लैक स्मिथ शॉप में और वेल्डिंग शॉप में जो ज़्यादा हीट के आगे आग के आगे काम करते थे उनको हीट अलाउंस दिलवाया, पूरी रेल में हीट अलाउंस मिला। उसके बाद जो रेलवे वर्कर यूनियन ने सबसे ज़्यादा काम किया कि रेलवे की बेताशा ज़मीन जो फालतू पड़ी हुई थी उस पर गैर मुल्की गैर लोग कब्ज़ा करते थे, कब्ज़ा ग्रुप और दूसरे महकमे उस पर कब्ज़ा कर लेते थे। तो हमने इंतज़ामिया में दबाव डाल के क्या आप रेलवे मजदूरों को जो है प्लाट अलाट करें ताकि जो मजदूरों को अपने सर्च पाने के लिए। तो इस तरह रेलवे में हर शहर में रेलवे हाउसिंग सोसाइटी बनी और उनकी मेम्बरशिप हुई और मुफ्त रेलवे मजदूरों को प्लाट अलाट हुए। इन सहूलियात में रिहाइश, अच्छी तनख्वाहें, काम के मुनासिब औकात, सेहत और तालीम के अच्छे मौके शामिल थे। आज जो बल्कि आज तो वो सारी सहूलियात वापस ली जा रही है मेहनत कशों से, लेकिन आज जो सहूलियात वापस ली जा रही है वो रोज़गार की ज़मानत हो, वो 8 घंटे काम करने की ज़मानत हो, वो मुनासिब हालात का मसला हो, वो सेहत की हेल्थ इंश्योरेंस की, वो सारी चीज़ें आज तो हमसे ली जा रही है, निचकारियाँ की जा रही है। कहा जा रहा है कि आप सहूलतें वही हासिल कर सकता है जिसके पास मार्केट पे जाकर पैसे लगाने की सकत हो, जो कि एक ज़माने में आज से 30-40 साल पहले ये एक दुनिया में एक यानी कि एक ऐसा एक नॉर्म तसव्वुर किया जाता था, ये एक इस बात को तस्लीम की जाती थी कि ये रियासत का फ़र्ज़ है। तो ये सारा कुछ जो उस वक्त रियासत के फ़र्ज़ के तौर पर मनवाया गया, हालात कार, कम से कम उजरत, सेहत, तालीम, रोज़गार, रिहाइश, ये मज़दूरों की जदोजहद के नतीजे में था। ये ऐसा नहीं था कि तकसीम के वक्त ये सारी चीज़ें
अपनी रिहाइश, अच्छी तनख्वाह, काम के मुनासिब औकात, दुनिया भर में पाकिस्तान और तालीम के अच्छे मौके शामिल, जदोजहद से हासिल की ये मराद ली। मिर्जा इब्राहिम बेग और उनके साथियों की रेलवे के मजदूरों के लिए की गई जद्दोजहद को रेलवे के मुलाजमीन आज भी याद करते हैं। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे उसको कहते थे, उसमें रेलवे वर्कर यूनियन काम करती थी, NWR, दिल्ली से लेकर कराची और पिशावर तक इसका एरिया था। तो उस वक़्त इस तंजीम के सदर मिर्जा इब्राहिम थे, और जो ये तंजीम ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के साथ अफिलिएट थी और उसके सदर थे वी गरी, जो बाद में इंडिया के प्रेसिडेंट भी रहे, और उसके जनरल सेक्रेटरी थे डॉक्टर मालिक, जो बाद में बांग्लादेश के गवर्नर भी रहे, ईस्ट पाकिस्तान के गवर्नर भी रहे, और मिर्जा इब्राहिम उसके नायब सदर थे। मिर्जा इब्राहिम की जहाँ तक बात है, वो देखिए इस मुल्क के मजदूर तहरीक के एक तरह से बानी भी आप कह सकते हैं, और चूँकि रेलवे के मजदूर और ख़ास तौर पर रेलवे वर्कर यूनियन के तकसीम के बाद से ही एक आप कह सकते हैं पूरी ट्रेड यूनियन तहरीक की एक मतलब है एक अलामत थी, एक हरावल रेलवे वर्कर्स यूनियन ही समझा जाता था, और मिर्जा इब्राहिम उसके लीडर थे। वो कम्युनिस्ट पार्टी से भी उनका ताल्लुक रहा है, इलेक्शन भी वो लड़ते रहे। ये एक बहुत बड़ा नाम है उस दौर का, और मजमू तौर पर मज़दूर तहरीक का, बाएँ बाजू की तहरीक। और ये भी था कि जिस दौर की मैं बात कर रहा हूँ वो सिर्फ कोई एक रेलवे के मजदूर का दौर नहीं था, ये बुनियादी तौर पर पूरे पाकिस्तान में मजदूर तहरीक का उभार था, बाएँ बाजू के नज़रियात का उभार का दौर था। और उस वक़्त अयूब के ख़िलाफ़ जब तहरीक चली तो लाहौर की तारीख में जो सबसे बड़े जुलूस निकले हैं वो रेलवे वर्कर यूनियन के थे, मुग़ल परवर शाहपुर से लेकर रेलवे स्टेशन तक लंबे वो जुलूस सुर्ख झंडों के साथ वो जुलूस चलते थे। वहाँ से जाके पहला जुलूस हमारा जो गया था वो रेलवे वर्कर शाहपुर से चल के तो मार रोड पे ये जहाँ वो तोप लगी है जमजमा तोप, तो बंगियों की तोप भी कहते हैं, वहाँ तक हम वो उस चौक में लाल बाग के चौक में हम गए। तो वहाँ उस मुझे अच्छी तरह याद है, मैं नया नया उस यूनियन में शामिल हुआ था, तो उस तोप के ऊपर बैठ के अबीब जालिब साहब ने पहली दफ़ा वो नज़म पढ़ी थी, ख़तरा है जरदारों को, मिलों को, जागीरदारों को, जरदारों को ख़तरे में इस्लाम नहीं। उस वक्त एक बड़ा सियासी दौर चला हुआ था कि इस्लाम ख़तरे में है और सोशलिज्म आ रहा है, तो उन्होंने वहाँ वो अपनी इनकलाबी नज़म पढ़ी और मज़दूरों ने बड़ी वो उसमें वाह की और नारे पसाए। वो बड़े बड़े इनकलाबी जो उस वक्त उस्ताद दामन मिर्जा ने अपना अबीब जालो फैज़ अहमद फैज़ मज़दूरों के जलसों में आके नज़में पढ़ा करते थे, वो मुकम्मल तौर पर तब्दील करने की बात भी करते थे। और इन मराद को हासिल करने के पीछे नज़रिया ये था कि आज तो हम इस निज़ाम के अंदर ये छीन रहे हैं, कल हम एक ऐसा निज़ाम कायम करना चाहते हैं जिसमें ये सब को, हर इंसान को, रहने वाले फ़र्द को समाज में ये मैसर किए जाए, ये किसी को ज़बरदस्ती छीन कर ना लेने पड़े, बल्कि ये तस्लीम किया जाए कि सब इंसानों के बुनियादी हकूक में शामिल हैं, बुनियादी यानी कि ये रसूलियात हैं जो सबको मिलने चाहिए। आलमी सियासी मंजरनामे में 90 की दहाई में जो तब्दीलियाँ आईं उनकी वजह से पाकिस्तान में भी ट्रेड यूनियंस और मजदूर तहरीकें कमज़ोर होती गईं। जैसे जैसे ये तहरीकें कमज़ोर हुईं, मजदूरों से ना सिर्फ उनकी मराद छीनने लगीं बल्कि ज़िंदगी की बुनियादी सहूलियात, रिहाइश, सेहत, तालीम वगैरह भी छीनने की कोशिशें होने लगीं। तो पिंडी साजिश केस में भी सारा मलबा जो पार्टी के जरिए यूनियन पे लगाया गया और यूनियन के तमाम वर्करों को डिस्चार्ज किया, जेलों में बंद कैद, सब केले में कैद, उसमें सब रहे। उस वक़्त भी मिर्जा इब्राहिम सदर थे और फैज़ अहमद फैज़ यूनियन के जनरल सेक्रेटरी थे। फिर मजदूर तहरीक का उरूज का दौर तकरीबन 73-74 तक रहा, और कराची में एक बड़ी मशहूर तहरीक थी 72-73 में, लांडी में साइड में, जिसमें
बल्कि निजी फैक्ट्रियों के मजदूर ज़्यादा थे। तो फिर उसके बाद तकरीबन 74-75 के बाद मजदूर तहरीक, यानी कि उसके अंदर अंदरूनी तौर पर जितना भी था, लेकिन बुनियादी तौर पर रियासती जबर का जो एक लहर उसके ऊपर यानी कि उतारा गया, और उसके नतीजे में यानी कि उसके अंदर टूट फूट शुरू हुई, उसके अंदर पॉकेट यूनियनिज्म का सारा सिलसिला शुरू हुआ। फिर लेफ़्ट चूँकि पसपा हुआ, तो लेफ़्ट के नज़रियात भी आहिस्ता आहिस्ता ट्रेड यूनियन की जदोजहद से मतलब निकलते चले गए। और ये सारा कुछ फिर शुरू तो गो के भुट्टो के दौर में हो चुका था, लेकिन उसका जो बड़ा हिस्सा और जो ज़्यादा एक तबाही आप कह सकते हैं वो ज़ियाउल हक़ के दौर में हुआ। मुशर्रफ की आमरियत में रेलवे के मजदूरों पर मजालिम किसी और नहज पर पहुंच गए। जिंदगी की बुनियादी जरूरियात के साथ साथ उनसे सर की छत भी छीनने की कोशिशें शुरू की गईं। 1999 में कच्ची आबादियां गिराए जाने लगीं। ये वही कच्ची आबादियां हैं जहां रेलवे के वो मजदूर रिहाइश इख्तियार करते हैं जिनको रेलवे रिहाइश नहीं दे सकती। ट्रेड यूनियन अपनी सर तोड़ कोशिशों से मजदूरों के घरों की हिफाजत में डटी रहीं। मुल्क की तरक्की पसंद कुव्वतें भी मजदूरों के हकूक के दिफा के लिए ट्रेड यूनियंस में शाना बशाना बरसरे पेकार रहीं। मुशर्रफ की आमरियत में कौमी इदारों की सस्ते दामों फरोख्त अरूज पर पहुंची हुई थी। रेलवे को भी माशी खसारों का बहाना बनाकर बेचने के यके बाद दीगरे कोशिशें की गईं। आज रेलवे के मजदूरों में इंतशार है, ट्रेड यूनियंस का शिराजा बिखर चुका है, मजदूरों को ना ख़त्म होने वाले मसाइल में घेर लिया गया है। ना उनके पास रिहाइश का सही बंदोबस्त रहा है, ना पीने का साफ पानी, और ना ही बाइज्जत ज़िंदगी गुजारने की बाकी ज़रूरियात। इन मसाइल में हमें पानी का जो मसला है, पानी के मसले के अलावा हमारे यहाँ पे बच्चे हैं, बच्चों को खेल कूद के मौके मुयसर नहीं हैं। उसके अलावा और मज़ीद काफ़ी सारी हमें परेशानियाँ हैं। यहाँ पे बिजली का निज़ाम ओपन है, यहाँ पे बिजली की तारें नंगी पड़ी होती हैं। अगर हम उनके पास जाएँ, अगर मैं उनके पास शिकायत के लिए जाएँ, तो वो तरह तरह के बहाने बनाते हैं और काम करने के लिए वो आते नहीं हैं। कहते हैं हमारे अफसरा ने बाला से बात करें, आज हम अफसरों के घर में काम कर रहे हैं, आज हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। इसी तरह हमने अपने इलाके, हम अपने घर में हमने जो कोई भी काम करवाना होता है वो हम अपनी मदद आपके तहत करवाते हैं, और हम अपने जेब में से पैसे लगा के जो हमारे 12-13 हज़ार रुपये हमारी महीने की तनख्वाह है, जिसमें हम अपने घर का चूल्हा नहीं बामुश्किल जलाते हैं, उसी में से हमने अपने घरों को थोड़ा सा रंग और रोगन भी करना होता है, मुख्तलिफ मसाइल हमने उसी में से हल करने होते हैं। एक कमरे में क्वार्टर है छोटा जहाँ, इतने तकरीबन 20 साल हो गए इस क्वार्टर के, इतने छोटे ने के पास ऐसे लोग मजबूर है कि त्रे दो दो खंडार छोटे छोटे कमरे बना के, लेकिन अंदर तो तक सौ सौ कैसा कोई साधन नहीं रहने वाले क्वार्टर में। सिर्फ भी अपने पास से कोई आईडब्ल्यू ना मिस्त्री देता है, ना इंतजामिया कोई चीज़ देती है, मटेरियल खुद ही बाहर से मंगवाया, ना उन्होंने आके देखा है कि इनको वाइट वॉश भी करना है। सालाना 1993-94 में या 92 में काम हुए हैं, ठीक है। रेलवे क्वार्टरों के काम होते, सफ़ेदी वगैरह होती थी, मेंटेनेंस वगैरह होता था। उसके बाद हम लोगों ने नहीं देखा कि ये कोई काम हुआ। दो से लेकर अब तक ये छतें आप देख लें, ये देख लें आप, टूटी हुई हैं। ये आप सब जायजा ले रही हैं, देखें सामने ऊपर सब घर जो है ना, छतें चो रही हैं, पानी नीचे आ रहा होगा बारिश का। ये जिस तरह ये लोग गुजारा कर रहे हैं ये नहीं पता है, अफसर लोग हैं वो अयाशी कर रहे हैं। उनकी आप कोठी में जाएँ ना, यहाँ से आप इन होंगे तो वो सड़क के पास उनकी कोठी होगी। पानी भी बार दफा चार दिन नहीं आता, या इनको चाहिए कि टंकी बना के देनी, या टंकी बनी हो, कम से कम हर क्वार्टर पे टंकी बनी हो ताकि पानी स्पेयर हो। दो दिन एक दो दिन बोर खराब हो जाता है, मोटर खराब हो जाती है, या मोटर खराब हो जाती है अंदर लेके जाते हैं, 3 दिन बाद वो मोटर आती है। गरीब थोड़ा सा बोलेगा ना, उसे चार शीट दे देंगे, ट्रांसफर कर देंगे सरगोदा। ये रूल चल रहे हैं यार, ये तो मुतालबा भी हमारे मुलाजम करते हैं, भाई करप्ट अफसरों को ख़त्म करो, ये बार बार करप्ट को ले आते हैं। क्वार्टर की पोजीशन आप पहले खुद भी देख चुके हैं, अभी भी आपके सामने मौजूद है। क्वार्टर में मेंटेनेंस वाला तो कोई काम पिछले 20-30 साल से हुआ ही नहीं है। जो कोई करवा भी रहा है तो अपनी मदद आपके तहत करवा रहा है। पोजीशन ये है कि बारिश आती है तो सबसे पहले तो हमें इस चीज़ की फिक्र होती है कि हम अपनी चारपाइयाँ किस जगह रखें।
छत टपकते हैं, छतों की हालत यह है कि टुकड़े गिर रहे हैं, वाइट वाश कभी नहीं हुआ, सैनिटेशन का कोई बाकायदा निज़ाम मौजूद नहीं है, इवन देन के पानी की सप्लाई का भी कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि जिसमें ना कोई टेंकी सिस्टम लगा हुआ है, ना कोई टूटियाँ हैं, अगर किसी ने अरेंज किया हुआ है तो अपनी पर्सनल अरेंजमेंट पे है। बाकी रेलवे के एक दो स्कूल हैं, उनकी भी हालत ज़ार ये है कि बच्चे जो है वहाँ पे मतलब एक एक क्लास में 50-50, 60-60 बच्चे ठोंस दिए गए हैं। मजदूर तो अपनी स्ट्रगल कर रहा है, हमारी तंजीमें, हमारी एसोसिएशनें हैं जो वक्तन फोक्तन जाती हैं, हेडक्वार्टर में भी ऑफिसर्स के साथ मुलाकात करती हैं, इधर डिविजनल लेवल पे भी करती हैं, उनका दरवाज़ा खटखटाती हैं, उनको जायज़ अपनी एप्लीकेशंस देती हैं, लेकिन सुनवाई कोई भी नहीं हो रही फ़िलहाल। क्योंकि जब भी जाते हैं हमें यही कहा जाता है कि अभी आपका महकमा जो है, हमारा रेलवे का डिपार्ट जो है, वो इस कंडीशन में नहीं है, इस हालत में नहीं है कि आपकी सारी फरमाइशें पूरी की जाएँ। हमारी इन मुतालबात को फरमाइशों का नाम दिया जाता है, तो हम तो दरवाज़ा ही खटखटा सकते हैं, जब गाड़ी रोकेंगे तो फिर तो स्ट्राइक में आ जाता है, फिर हम पे स्टेट के खिलाफ बगावत का इल्ज़ाम लग जाता है। अवामी वर्कर्स पार्टी मजदूरों के हकूक़ की लड़ाई में ट्रेड यूनियंस के शाना बशाना लड़ रही हैं। मजदूरों को अपने हकूक़ की जंग लड़ने के लिए आपस के इंतशार को भुलाकर ट्रेड यूनियंस और अवामी वर्कर्स पार्टी जैसी बाई बाजू की तरक्की पसंद सियासी तंजीमों का साथ दें, ऐसी ही मुत्तहिदा जद्दोजहद मजदूरों के हकूक़ की जंग जितवा सकती है। तो अब हम सब की ख्वाहिश है कि वो जादू की छड़ी हो हमारे पास और सब वो तमाम चीज़ें हासिल कर लें जो कि हम चाह रहे हैं कि मिलनी चाहिए। नौकरी भी अच्छी हो, घर भी मिले, तालीम भी हो, सेहत भी हो, ये सब जो आजकल की आसाइशें भी हो, ये उन लोगों के लिए तो आसान है जिनके पास दौलत है। वो तो जाकर जान पहचान की बुनियाद पर, पैसे की बुनियाद पर, ताकत की बुनियाद पर। लेकिन ये जो एक तसव्वुर बन गया है कि हम भी बतौर मजदूर, हमारा भी यही तरीका कार होना चाहिए कि आप ताकतवर हैं तो मैं आपसे जाकर मिलत समाजत करूं, या कोई बड़ा आदमी है तो उससे जाकर मैं सिफारिश करूं कि यार आप मुझे कुछ दे दें, खैरात दे दें। बात यह कि ये 20 करोड़ लोगों का मुल्क है जिसमें बेशतर मेहनत कशी है, जो कि खून पसीना खर्च करके अपने आप को जिंदा रखते हैं। लेकिन मसला ये कि हम उस खून पसीने को खर्च करते वक्त हमारे अंदर ये शऊर अब एक तरह से निकाल दिया गया है कि हम चलाने वाले हैं। ऐसा तासुर बन गया कि जी हम किसी के रहमो करम पे, या ये खुदा ताला की मर्जी से है कि एक बंदा खा पी रहा है और मैं भूखा मर रहा हूँ। और ये वो शऊर है जो कि आज हम फिर हमें उजागर करना पड़ेगा कि ये हम बनाते हैं। ये तो वो लोग हैं कि खुद अपने बूट के तस्मे भी नहीं बांध सकते। ये वो लोग हैं जो हम उनकी गाड़ियाँ चलाते हैं, हम उनके खाने पकवाते हैं, सब कुछ मजदूरी करता है, लेकिन मजदूर को खुद अपनी ताकत का एहसास नहीं है। उसको लगता है कि मेरे इस सिस्टम में, इस निज़ाम में जीने का तरीका यह है कि मैं भी उसी बड़े आदमी को जाकर उससे हाथ जोड़कर मतलब उससे खैरात मांगूं। जो कि खैरात अगर आप मांगेंगे तो खैरात का निज़ाम जो चल रहा है वो आपके सामने, वो कितने लोगों को खैरात मिली, और अगर मिलेगा भी तो उससे आपको अपने वो बुनियादी हकूक़ तो हासिल नहीं हो सकते। तो हमें मुनज़म होना पड़ेगा, हमें एक दूसरे पर इत्तबार करना पड़ेगा, और हमें फिर वो शऊर उजागर करना पड़ेगा कि ये हम निज़ाम चलाते हैं, और अगर हम चलाते हैं तो इस निज़ाम का जो पैदा करता जो फल है वो भी हमारा हक है। वो हम कोई खैरात नहीं मांगते, हम कोई चोर डकैत नहीं है, हम यानी कि किसी से भीख नहीं मांग रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं। और जब तक हम नहीं मांगेंगे, 100 लोग सिफारिश करने की कोशिश करेंगे, एक की सिफारिश पूरी हो जाएगी, 99 तो फिर भी जलील ख्वार हो। तो ये तो हमारा रोज़मर्रा का सबक भी यही है कि जदोजहद की सुबह हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं। दर्द पत्तों का मंजर।
जिस वेले इधर आया तो उन्हें आया की करना पे कहना का खाना पे रोटी क्यों नहीं खाना वो जी रोटी है कोई नहीं तो जनाब जी मैं जिंदा रहने वास्ते भाई से मजबूरी है का खाना पे कहना चला पे गड्डी इन्ने चिर से दूसरा भी देख रहा है तो दूसरा वो देखता सी उन्होंने भी इशारा करता तू इधर आ वो भी आ गया वो कहना की करना पे कहना का खाना पे कहना रोटी क्यों नहीं खाना कहना जी जिंदा रहने वास्ते भाई से मजबूरी है रुजगार है कोई नहीं बरादरी वाले पूछते नहीं है कोई बैंक बैलेंस भी नहीं है जमीन नहीं है तो भाई से मजबूरी मैं का खाना पे वो कहना चला पे गड्डी में वो कहना मेरी एक बीवी है नाल तीन बच्चे ने कहना उन्होंने भी लाया सारे गड्डी वड्डी सी गुंजाइश हैगी सी फिर तोड़ लीती उसे जा रहा है एक विचों दोवां दे विचों एक जनाब जी वो कहना साहब जी तुम बड़े अजीम इंसान हो गरीबों का कितना हमदर्दी रखते हो कितना गरीबों ना प्यार करते हो ताड़े दिल च दर्द जा गया असी का खा रहे सन तुसी सानू नाल बिठा के तुसी सानू खाना खिलाने वास्ते जा रहे हो मैं ये इंसान जिंदगी च नहीं देखा वो कहना नहीं यार ऐसी कोई गल मेरा बहुत वड्डा घर है उहदे बाहर बहुत वड्डा लान है तो उहदे विच घा बड़ा